जब तक हम किसी काम को करने की शुरुआत नहीं करते तब तक हमें वह काम नामुमकिन लगता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मेष लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहा है। मंगल अपनी खुद की राशि में लग्न में बैठे हुए हैं। इसके अलावा तीसरे घर में राहु का गोचर है, चौथे घर में कर्क राशि में शुक्र का गोचर है, पंचम भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, नवम भाव में गुरु और केतु का गोचर है, दशम भाव में शनि वक्री होकर अपनी मकर राशि में चल रहे हैं। वैसे गुरु भी वक्री चल रहे हैं। इसके अलावा इस महीने में जो बदलाव आने वाले हैं वह ये है कि 2 तारीख को बुध अपनी उच्च राशि यानी कि कन्या राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी 16 तारीख को छठे भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु इस महीने 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु वृषभ राशि में जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे। गुरु 13 सितंबर से अपनी ही धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनि 30 सितंबर को अपने ही मकर राशि में मार्गी होंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहा है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। आपका यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 1 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। अगर आपका जन्म सितंबर महीने में हुआ है तो आप थोड़े संकोची स्वभाव के हो सकते हैं और आपका स्वभाव नरम भी होगा। खुद को कठोर बताने की कोशिश करते हैं लेकिन आप है नहीं। एक बात है कि आपका दिमाग तेज होता है। करियर के मामले में देखें तो आपके करियर में इस महीने थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अपने बॉस के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है। हालांकि आपके ऑफिस में जो आपके सहकर्मचारी हैं वह आपका साथ देंगे और आपकी मदद करने के लिए आगे भी आएंगे। आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई टूर प्लान भी हो सकता है। अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में कोई पार्टनर भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप अपने घर के लिए कोई खर्च कर रहे हैं तो संभाल कर कीजिए, क्योंकि खर्च बढ़ सकता है जो आपकी बजट को डिस्टर्ब कर सकता है। मेष वालों के लिए इस महीने चुनौतियाँ मिलेगी और आपको इसे स्वीकार भी करना पड़ेगा। 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आपका लग्नेश मंगल लग्न में आया हुआ है, जो रोचक योग बना रहा है। लग्न के अंदर जब भी मंगल आता है तो आपके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती है और कोई ना कोई चैलेंज आपके जीवन में आता है। आपके कर्म स्थान में शनि के कारण सस योग बन रहा है। अब आप समझिए रोचक योग और सस योग में क्या फर्क होता है। मंगल आपके लग्न में है तो यह एक मजबूत पोजीशन है, शक्ति स्फूर्ति बहुत है आपके पास काम करने की। लेकिन इसकी दृष्टि चौथे और सप्तम भाव पर पड़ रही है, वह अच्छी नहीं है। मंगल सप्तम भाव में रिश्ते को ख़राब करते हैं।
वैसे धन के लिए, कामकाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा है। लग्न में मंगल के आने से रुचक युग बना है, तो उसके कारण आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई फ़ायदा हो सकता है और साथ में आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि गुरु अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। 10 सितंबर से 13 नवंबर तक यह मंगल रेट्रो हो जाएगा, मतलब वक्री हो जाएगा, तो जो भी चुनौती आपको मिले उसे 10 सितंबर से पहले ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यह मंगल वक्री हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की जो रफ्तार है वह थोड़ी थोड़ी धीरे हो जाएगी। 10 तारीख के बाद अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहेंगे तो गुरु की दृष्टि आपको ऐसा नहीं करने देगी। गुरु 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे और सूर्य भी उसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि के कारण जो सस्योग बन रहा है उसके कारण यह शनि आपको बहुत मेहनत कराएंगे। याद रखिए, शनि बैठकर खाने वालों में से नहीं है, वह मेहनत कराते हैं फिर सफलता देते हैं। तो सस्योग इस तरह से काम करता है। यह फर्क है रुचक योग और सस्योग में। जो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं उनके लिए सस्योग अच्छा होता है, क्योंकि मुफ्त का खाना शनि को अच्छा नहीं लगता। कर्मस्थान में आया हुआ शनि आने वाले 20 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस तरह से ट्रेन करके जाएगा। शनि 2.5 साल के लिए कर्मस्थान में है तो आपको हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए। राहु जो अभी आपके 3rd हाउस में है वह 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आने वाला है, जो 18 महीने तक यहाँ पर रहेगा। राहु जब भी 2nd हाउस में आता है तो वह आपकी स्पीच में गड़बड़ कर देता है, आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो सामने वाले को चुभ जाए। तो इस समय के दौरान आपको अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना चाहिए। जब जब अमावस्या आए तब तक आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और बहते पानी में नारियल को बहाने से राहु की जो बुरी इफेक्ट होती है वो भी कम होती है। 2nd हाउस आपका परिवार का घर भी होता है, तो यह आपके परिवार में भी वाद विवाद बढ़ाएगा। राहु आपके 2nd हाउस में आने की वजह से आप अपने परिवार के साथ झूठ भी बोल सकते हैं। अगर आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको शरीर के निचले हिस्से में कोई चोट भी लग सकती है। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्र शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, तो जो लोग अनमैरिड है उनके लिए बहुत अच्छा लाभ है। शादी के योग बन रहे हैं। इस समय के दौरान अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको प्रपोज भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना चाहिए, भावनाओं में बह मत जाइए। आपका आचरण मर्यादित हो इस बात का ख्याल रखें। सूर्य आपके पंचम स्थान में है, जो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक यहाँ रहने वाला है, तो इस वजह से आपकी संतान के अंदर थोड़ा अहंकार बढ़ जाएगा। आपके बच्चे थोड़े सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएंगे, तो उनके साथ के विवाद को आपको टालना चाहिए। 16 सितंबर के बाद सूर्य 6th हाउस में आने से ये कहीं आपका रोग और दुश्मन बढ़ा ना दे, उसका ध्यान रखें। अगर आप संतान की इच्छा कर रहे हैं तो संतान के योग इस महीने बन रहे हैं और कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है। शुक्र जो आपके 4th हाउस में है, शुक्र 4th भाव में अच्छा फल देते हैं, वह प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, व्हीकल के रिलेटेड हो, आप कोई नया व्हीकल भी खरीद सकते हैं। यह आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, 4th भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि है, जो थोड़ी परेशानी की बात है, वरना आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति में है। 1 सितंबर से 27 सितंबर तक शुक्र का सुख और व्यापार से संबंध बन रहा है, व्यापार में सुख भी मिलेगा और काम भी बढ़ सकता है।
बुध सिक्स हाउस में आ रहे हैं और वह भी अपनी उच्च राशि में, तो आपको अपने मैटरनल अंकल से फायदा हो सकता है, रोग कर्ज से छुटकारा मिलेगा। और जब ये सप्तम भाव में आएंगे तब भी आपको ये लाभ देंगे। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में एक दो दिन तो ऐसे होते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ, परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वह समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड यानी कि चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12 में होते हैं तो यह हमें तकलीफ देते हैं। इस समय में आप शुद्धता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आपको पूर्वजों से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहा है तो दान और पुण्य से आपकी नैया पार हो जाएगी। 3, 4, 5 सितंबर आपके लिए बैड डेज रहेगा क्योंकि चंद्र आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, तो उस वजह से आपकी मन की शांति भंग हो सकती है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। 17, 18 सितंबर को आपका चंद्र 6th हाउस में जा रहा है तो इस समय में आपको अपनी माँ के साथ कोई विवाद में ना पड़े तो अच्छा है। इस समय में आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। 21, 22, 23 सितंबर चंद्र 8th हाउस में है तो इस दिन भी आपको संभल कर पास कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी चंद्र 6, 8 और 12 स्थान में होते तब तब आपके लिए बैड डेज जनरेट करते हैं, तो उन दिनों को आपको संभल कर केयरफुली पास कर देना चाहिए। अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं तब तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी, तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो यह होता है गज केसरी योग। आपके लिए इन 4 डेज में गज केसरी योग बन रहा है, 5 सितंबर, 12 सितंबर, 17 सितंबर और 25 सितंबर। 5 सितंबर को मीन राशि में जो गज केसरी योग बन रहा है वह आपके लिए कुछ ज़्यादा फायदा नहीं करवा सकता क्योंकि चंद्र 12वें स्थान पर है। वैसे ही 17 सितंबर को कन्या राशि में गज केसरी योग बन रहा है तो यह दिन भी आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं करवा सकता क्योंकि चंद्र 6ठे भाव में है। अब बाकी बचे 2 दिन यानी कि 12 सितंबर और 28 सितंबर। 12 सितंबर को मिथुन राशि में गज केसरी योग बन रहा है तो यह दिन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 25 सितंबर धनु राशि में गज केसरी योग बन रहा है तो यह दिन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन में है तो गुरु की कृपा पाने के लिए आप गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। मंदिर में जाने से भी गुरु पावरफुल होते हैं। 22 सितंबर तक गुरु चांडाल के दोष से गुरु मुक्त हो जाएंगे और 23 सितंबर के बाद राहु की 2nd हाउस में होने की वजह से आप पैसे से पैसा बना सकेंगे। इस समय के दौरान आपका जीवन साथी कोई लोन भी ले सकता है या लेने का विचार कर सकता है। 14 सितंबर को चंद्र शुक्र की युति होने की वजह से आप आनंद में रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, माता पिता के संबंध में मधुरता आ सकती है। 31 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आपके पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, उसमें भी 8, 9 और 10 तारीख को ज़्यादा फायदा होने के चांसेस दिख रहे हैं।
तो फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, राहु सेकंड हाउस में है तो स्पीच पर कंट्रोल करना है, सूर्य पंचम स्थान में है तो संतान के साथ विवाद में नहीं पड़ना है, शनि कर्म स्थान में है तो मेहनत और काम बढ़ाएंगे लेकिन सफल भी बनाएंगे, मानसिक शांति के लिए योग और व्यायाम का सहारा लेना चाहिए और आपको अच्छा खान पान भी लेना चाहिए और वह भी वक्त पर लेना चाहिए। आपको सूर्योदय के समय ओम नमः शिवाय का 108 जाप करना चाहिए। अगर आपको जॉब में तकलीफ आ रही है, अगर कोई जॉब नहीं मिल रही है, बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान के सामने हल्दी के रंग से रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा रखना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद उस कपड़े को उतार कर अपने पास रख लें। आपको अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। 17 सितंबर को अमावस्या है तो उस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। 18 सितंबर को अधिक मास पर अपने धन की बचत के लिए और धन से धन कमाने के लिए जहां पर आप पैसा रखते हैं उस तिजोरी में बढ़ोतरी के लिए उस दिन श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें और पूजा के समय 11 चावल के दाने लेकर एक एक करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। चावल चढ़ाते वक्त माँ लक्ष्मी का यह मंत्र जरूर पढ़े, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। आप मंगलवार को मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो यह था मेष लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारी चैनल। नमस्कार।